दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए हम वो नई योजना लेके आए हैं जिसके तहत आप लोगों को इस जानकारी को अगर प्राप्त करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी फायदा हो सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई एक छात्रवृत्ति योजना है जिसके तहत अगर गरीब बच्चे हैं और वह पुलिस के या फिर किसी आर्मी पर्सनल के बच्चे हैं, उनके लिए भी और काफ़ी और अन्य प्रजातियों के बच्चों के लिए बहुत ही नई योजना चालू कराई गई है जिसके तहत अगर उन बच्चों को आगे पढ़ना है और उनके पास धन की कमी हो जाती है तो आप लोगों को इसमें अब धन से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को इसमें धन से परेशान होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों को इसमें प्रति महीना अगर हम बोलें कि आपको 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक मिल सकता है तो आप लोगों को कैसी बात लगेगी। यह दोस्तों बात बिल्कुल सत्य है जिसके आप लोगों को अप्लाई कैसे करवाना वहाँ तक हम आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहले छात्रवृत्ति योजना में 2,500 रुपये से 3,000 रुपये तक भी आप लोगों को मिल सकते हैं, मगर उसके लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं। आप लोगों के 60% से अधिक नंबर होने चाहिए, पढ़ने में अच्छे होने चाहिए और आप लोगों के अन्य करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि ये बताएं कि आप लोगों के पास ऐसी योग्यता है और आप लोग पढ़ने में सक्षम होना चाहते हैं। देखिए, 60% से ऊपर ज़रूरी था और इसमें आप लोगों के कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के पास होनी चाहिए इस योजना में लाभ लेने के लिए, वह हम आप लोगों को बता देते हैं। निवास के लिए आप लोगों को अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप लोग अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट की नकल की कॉपी पड़ेगी, मोबाइल नंबर आप लोगों को लगाना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगी जिसमें एक परिवार के साथ फ़ोटो होनी चाहिए। अब आप लोगों को इसमें अप्लाई कैसे करवाना है वह हम आप लोगों को यहाँ बता चुके हैं। नीचे लिंक दिया गया है जिसके ऊपर क्लिक करना है ये। उसके बाद आप लोगों के सामने देखिए एक नई वेबसाइट बनकर आ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को अपना पूरा नाम, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपनी कैटेगरी चुननी है। ये देखिए, ऑर्फन, सेल्फ, EMS, विडो, आप लोगों के इन्हीं 3 कैटेगरी को इस इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, सरनेम लिखना है, सर्विस नंबर लिखना है, आईडी है कि नहीं है वह बताना है। यहाँ पे आर एस ये देखिए, सबसे पहले आपको बताना है कि आप लोग कहाँ पर कंसर्न RSP, कहाँ पे आप लोग चाहते हैं उस जगह को, उस एरिया को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और बाकी भी अन्य जानकारी यहाँ पर होंगी। आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद यहाँ पर अपनी लिखित जानकारी टाइप करने के बाद बैंक की जानकारी और ऐसी अन्य जानकारी आप लोगों के यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड लिखें, सबमिट कर दें। आप लोगों का यह रजिस्ट्रेशन तैयार हो चुका होगा। तैयार होने के बाद आप लोगों को यह फॉर्म भर चुका होगा। एक फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म भर देंगे। सेकंड फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। 2,500 से 3,000 रुपये आप लोगों के खाते में आना चालू हो जाएंगे। इसी आसान तरीके से आप लोग अपना खाते में पैसे मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।